ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत ताकतें हैं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के मान सम्मान के साथ, गरीबों के कल्याण के साथ, देश के अंदर आतंकवाद की समाप्ति से लेकर देश के सैनिकों को सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। तो एक और कांग्रेस के वो लोग हैं कि सीमा पर हमारा सैनिक एक इंच पीछे नहीं हटता, सीने पर गोली खा जाता है। तो कांग्रेस के राहुल गांधी ये पूछते हैं कि मोदी जी ने सत्ता जब से संभाली तब से आतंकवाद समाप्त हो गया और आतंकवादी अब देखते तक भारत की तरफ नहीं है, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है पाकिस्तान में घुसकर सीमा पर हमारे सैनिक, हमारे मुरैना के नौजवान उन्हें जवाब देख करके घुस करके आते हैं, तो राहुल गांधी पूछते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है। तो मेरे मुरैना के भाई और बहनों, इस जनसभा के अंदर आज हमें तय करना है, एक और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो हर दिवाली सैनिकों के सम्मान के लिए सीमा पर जाकर के मनाते हैं, तो दूसरी ओर सैनिकों का अपमान करके कांग्रेस के राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जैसे लोग और मुरैना के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग उन सैनिकों का अपमान करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये चुनाव उन सैनिकों के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी जी आज मुरैना पधारे हैं, और दूसरी ओर वो लोग हैं जो उन सैनिकों का अपमान इस देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का लोगों से प्रूफ मांगते हैं।